हाउस में मारपीट मामले में दिल्ली पुलिस ने केजरीवाल के पीए विभव कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस ने सीएम आवास से विभव कुमार को गिरफ्तार किया। विभव कुमार को गिरफ्तार करके पुलिस सिविल लाइन थाने ले गई। दिल्ली पुलिस को इनपुट मिले थे कि विभव दिल्ली से बाहर नहीं बल्कि मुख्यमंत्री आवास में ही मौजूद है। पूछताछ के बाद विभव को 30,000 कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहीं मेडिकल रिपोर्ट में स्वाति मालीवाल से मारपीट की पुष्टि हो गई है। स्वाति मालीवाल के आंख पैर पर चोट के निशान हैं। स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इससे बड़ी कोई बेबुनियाद बात क्या हो सकती है कि पहले संजय सिंह ने आकर कहा गलत हुआ है और जब पुलिस जांच हो रही है तो स्वाति मालीवाल के खिलाफ क्या क्या आरोप लगाए जा रहे हैं। निचले स्तर की राजनीति हो रही है। मालीवाल उनके सांसद है ना, पहले संजय सिंह ने आकर के कहा कि नहीं गलत हुआ है, इससे बहुत दुखित हैं हमारे केजरीवाल जी। अब जब पुलिस की जांच हो रही है तो उस जांच पर अब उसके खिलाफ क्या क्या आरोप लगाए जा रहे हैं, तो क्या केजरीवाल जी की पार्टी में साधारण महिलाओं की बात भूल जाइए, अपनी महिला सांसद के साथ ये अभद्रता होती है। स्वाति मालीवाल केस में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का पीए विभव कुमार बिहार के रोहतास का रहने वाला है। विभव की गिरफ्तारी के बाद कोचस प्रखंड के नरवर पंचायत का खुदरू गांव खूब सुर्खियों में है। विभव के पिता महेश्वर राय गांव में ही रहते हैं जो पीएमपी में सिपाही के पद से वीआरएस ले चुके हैं। विभव के पिता अपने बेटे को इस पूरे मामले में निर्दोष बता रहे हैं। दावा कर रहे हैं कि विभव पिछले 15 साल से अरविंद केजरीवाल के साथ है। विभव ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पढ़ाई के बाद पत्रकारिता करने वो दिल्ली गया था। इस दौरान वे अरविंद केजरीवाल के संपर्क में आए और सरकार बनने पर वे सीएम के आप्त सचिव बन गए। विभव की गिरफ्तारी के बाद उनके पिता परेशान हैं, वहीं गांव में भी कई तरह की चर्चाएं हैं। ये तो मैंने सरासर अन्याय है, इसलिए कि मेरा लड़का जो है शुरू से ही एकदम सोशल स्वभाव का था, आज तक वो किसी से मारपीट भी नहीं किया है। गाँव में भी आप पूछ सकते हैं कहीं भी मेरे परिवार के बारे में विषय में जा कर के देख लीजिए कहीं भी, कि हर आदमी को हम मदद करते हैं बल्कि किसी को तकलीफ नहीं होने देते। फ़ोन से बात हुआ था तो कह रहा था कि पापा जी हम तो नाश्ता कर रहे थे तो आई थी बहुत बड़ा कांड करने के लिए, तो गार्ड उड लोग रोका तो हम गए वहाँ तो गार्डे लोग हटाया, हम तो उसको छुए भी नहीं। हम उससे मैंने यही कहे कि नहीं, मैंने उन बिना पूछे हुए हम नहीं मिलने देंगे। इसी पर जो है वो गर्म होकर के कही कि तुम्हारा तो नौकरी चलिए गया है और तुमको भी हम जेल भेजवा देंगे। देखिए वैभव जी एक सोशल परिवार से हैं, विशुद्ध रूप से इनका फैमिली किसान रहा है और वैभव जी के पिताजी दो तीन भाई थे, वो लोग सीआरपीएफ में थे, और किसी को राजनीतिक उपभाजन बना देना राजनीति के चलते, और चाहे अरविंद केजरीवाल जी उनके साथ में रहे हैं, उनके साथ रिश्ता भी था, एक फैमिली रिलेशन के तहत है, आज चुनाव नहीं रहता तो यह कुछ नहीं होता। इनका फैमिली का इतिहास है, कोई किसी से पूछिएगा तो यह सोशल मीडिया और गरीबों के साथ यह परिवार हमेशा खड़ा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर स्वाति माहिवाल के साथ जो मामला हुआ, उस मामले में जो आरोपी हैं विभव कुमार, वो रोहतास जिला के कोचस के दिनारा थाना क्षेत्र के खुरनू गांव के हैं और मैं अभी उनके गांव में हूं, और चूंकि खुलकर गांव के लोग बात करने से बच रहे हैं लेकिन उनके पिता से इसी तरह बात हुई है। उनका कहना है कि 15 साल से जो विभव है वो अरविंद केजरीवाल जी के साथ रह रहे थे, लेकिन कैसे हुआ, क्या मामला हुआ, इस पर उनके पिता कुछ खास नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन उनके पिता का कहना है कि कहीं ना कहीं इस मामले की जाँच होनी चाहिए तब स्पष्ट होगा। उनके पिता का कहना है कि उनका पुत्र जो है वो निर्दोष है और इस तरह का उसका आचरण नहीं रहा है, लेकिन ये उनका गांव है और इस गांव में ही बचपन बीता है, बाद में उन्होंने बीएचयू से पढ़ाई किया और विभव उसके बाद दिल्ली में जाके पत्रकारिता की भी पढ़ाई की और वहाँ जाकर बाद में अरविंद केजरीवाल से जुड़ गया। लगभग 15 सालों तक से अरविंद केजरीवाल के साथ ही विभव रह रहा है, तो अब उसकी जब गिरफ्तारी हुई है, पुलिस उससे पूछताछ कर रही है, उसके बाद इस गांव में भी लोग जो है तरह तरह की चर्चा कर रहे हैं। अजीत कुमार, News 18 सासाराम। और खबर आ रही है कि विभव को कोर्ट में पेश करेगी पुलिस। बड़ी खबर है इस वक्त की, रिमांड मांग सकती है दिल्ली पुलिस पूछताछ के लिए। विभव को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सीएम अरविंद केजरीवाल के पीएम हैं, पीए हैं विभव। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं,
कि उन्हें रिमांड पर ले सकती है, रिमांड की मांग कर सकती है, क्योंकि विभव को कोर्ट में पेश करने वाली है पुलिस और कुछ दिन की रिमांड मांग सकती है ताकि उनसे और भी पूछताछ इस पूरे मामले पर हो पाए।